आइनी तौर पे मिलिट्री ट्रायल आज की डेट तक किसी का भी नहीं हो सकता। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल ये कोई लोकल इशू नहीं रहेगा, फिर ये ग्लोबल इशू बनेगा। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइम एजेंसी है, उसका 6 साल जो सरबरा हो वो असासा नहीं है। ये सारी ऐसी गप्पे हैं कि अगर कोई चलाने वाला हो जिसका, तो उसी तरह चलती है जिस तरह PDM चल रहा है। बांग्लादेश में रेड जोन उड़ा के रख दिया नौजवानों ने, तो इस तरह से ये जो रेत की दीवारें हैं इनसे तब्दीली ना पहले रुकी है और ना अब रुकेगी। दो बातें, एक तो ये है कि आइनी तौर पे मिलिट्री ट्रायल आज की डेट तक किसी का भी नहीं हो सकता। एक लिस्ट पेंडेंस का उसूल है, जो पेंडिंग मुकदमा है उसका फैसला किए बगैर नहीं हो सकता, अगर कोई करेगा आइन तोड़ेगा। वन दूसरा ये है कि पहले ये कहते थे कि PTI को जनरल पाशा चलाता है, फिर उन्होंने मेरे ग्राही जनरल जहीर साहब का नाम लेना शुरू कर दिया, वो गए तो उसके बाद काजी हमारे साबिक दोस्त तरीन साहब उनका नाम लेना शुरू कर दिया, अब कहते हैं कि जनरल फैज चलाते थे PTI को। ये सारी ऐसी गप्पे हैं कि अगर कोई चलाने वाला हो जिसका, तो उसी तरह चलती है जिस तरह PDM चल रहा है, उसी तरह चलती है जिस तरह शहबाज गवर्नमेंट चल रही है, उसी तरह चलती है जिस तरह नवाज शरीफ की 10वीं 11वीं 12वीं 15वीं लॉन्चिंग चली है। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिवाय इसके इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल ये कोई लोकल इशू नहीं रहेगा, फिर ये ग्लोबल इशू बनेगा। इसलिए कि वो एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, उसके उम्मीदवार हैं दोबारा, इसलिए कि वो एक ग्लोबल एथलीट माने जाते हैं, इसलिए कि ग्लोबल आइकन माने जाते हैं, वो ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट माने जाते हैं, इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े मुअस्सर इस्लामिक फोबिया के हवाले से आवाज़ बुलंद करने वाले माने जाते हैं, और वो एक आइनी जद्दोजहद करने वाले माने जाते हैं पूरी दुनिया में। तो ये मजाक ना बनवाए, मैं इनसे कहना चाहता हूँ। देखिए, जनरल फैज़ अमीद ने मुझसे एक दफ़ा रब्ता किया जब Article 6 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही थी, एक से ज़्यादा मरतबा रब्ता किया, उन्होंने मेरी ओपिनियन मांगी थी। वो लीगल ओपिनियन है बिटवीन क्लाइंट एंड द लॉयर, प्रिविलेज गुफ्तगू है, मैंने उनको अपनी ओपिनियन दे दी थी। वो आप मुझे ये बताएं, जो शख्स ऐसी एजेंसी जिसको हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी प्राइम एजेंसी है, उसका 6 साल जो सरबरा हो वो असासा नहीं है, क्या वो गद्दार हो सकता है, क्या वो साजिशी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? तो असासा ठीक कहा ना इमरान खान। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये इमरान खान ने इस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर ये कहा है कि आपको याद है कि एक वकील के वालिद थे, वो वकील बलूचिस्तान में, वो अपने ख़ानदानी किसी झगड़े में मियां बीवी का था या क्या था, उसमें वो मारे गए, तो उस FIR में भी इन्होंने एक जिमनी काट के इमरान खान का नाम लिख दिया। तो क्या इससे पहले इस तरह के मज़े का खेज इन्होंने अपने तमाशा बनाने वाले मुकदमे नहीं बनाए? ये सारे मुकदमे नहीं हैं, ये पुतली तमाशा है। जलसे की तैयारियां कर नहीं रही है, तैयारियां हैं, तैयारियां कर चुकी है PTI। ये इसको कहते हैं ना खुला तजाद, वो है कि कुछ जलसे इनको हलाल लगते हैं, कुछ आराम, कुछ सिटिंग इनको ठीक लगते। रेड जोन क्या है जी? रेड जोन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, एहतजाज किया जा सकता है, वहाँ भी लोगों को हर जगह एहतजाज का हक है, दुनिया में सारी जगह एहतजाज का। न्यूयॉर्क में कौन सा रेड जोन है मुझे ये बताएं, वाशिंगटन में कौन सा, लंदन में कौन सा रेड जोन है, दिल्ली में कौन सा रेड जोन है, बांग्लादेश में रेड जोन उड़ा के रख दिया नौजवानों ने। तो इस तरह से ये जो रेत की दीवारें हैं इनसे तब्दीली ना पहले रुकी है और ना अब रुकेगी, जलसा होगा। अच्छा बाबर, लास्ट चीज बताइएगा।